महामंगल सूत्र नंबर 9, इसमें 27, 28, 29 और 30 चार मन के चार मोती, चार इसमें ज्वेल हैं, चार इसमें हीरे हैं। खंती चे सो वचस्ता समड़ा नंग चे दसनंग कालेन धम्म साकच्छा एतंग मंगल मुत्तमंग। खंती छे, खंती माने जो होता है पाली के अंदर, खंती माने क्षमा, फॉरगिवनेस, सॉरी। तो जो गुण है सबसे इंपॉर्टेंट वो है खंती का गुण होना चाहिए, क्षमा करने का गुण होना चाहिए किसी सामने वाले व्यक्ति को। क्षमा करने का फायदा क्या होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं क्षमा करके क्या मिलेगा। किसी ने कोई गलती की और वो गलती सामने वाले ने की, आपने उसको देखा या नहीं देखा, और सामने वाले ने उसकी क्षमा मांगी या नहीं मांगी, मगर आप उसको क्षमा कर दें। तीन तरह से क्षमा होती है, मन से, वचन से और कर्म से। आप तीनों तरह से उसको क्षमा कर दें, उससे सामने वाले को कुछ लाभ हो या ना हो, मगर आपको जरूर लाभ होगा। क्या लाभ होगा? एक तो जो उसने काम खराब किया है या जो उसने आपके साथ में अच्छा नहीं किया है, वो आपके मन से डिलीट हो जाएगा, आपके दिमाग से निकल जाएगा, आपके ब्रेन से, आपके प्रोसेसर से वो फाइल खत्म हो जाएगी। तो उसके जब वो बार बार दिमाग में नहीं आएगी तो आपके शरीर पे गुस्सा नहीं आएगा, ईर्ष्या नहीं आएगी, जलन नहीं आएगी, आपको परेशानी नहीं होगी, तो आप आराम से सोएंगे, तो शरीर आपका ठीक रहेगा, तो आपकी आयु लंबी होगी। आप जब किसी को क्षमा करके आएंगे तो घर तक पहुंचते पहुंचते आपको कोई गुस्सा नहीं रहेगा और कोई मन में बात भी नहीं रहेगी, तो घर का वातावरण भी ठीक रहेगा। या आप दफ्तर में बैठे हैं, दफ्तर में जाएंगे, या आप कहीं दुकान पर बैठे हैं, या आप खेत में हैं, खलिहान में हैं, या आप मजदूरी कर रहे हैं, तो जब आपके मन शांत होगा तो आपके काम भी बढ़िया होंगे। अगर मान लो आपने क्षमा नहीं किया तो आप बड़बड़ाते रहेंगे, आप गुस्से में रहेंगे, आप ईर्ष्या में रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, आप उद्विग्न रहेंगे, बहुत ज़्यादा हाई पर रहेंगे, तो आपकी सारी चीज़ें शरीर की हाई पर रहेंगी, तो आपको नुकसान कहीं हो सकता है। इसलिए क्षमा करें। क्षमा करने का जो गुण है वो है 27 नंबर, और 28 का नंबर है सोवचस्ता। सोवचस्ता को जो पाली है उसको संस्कृत भाषा में आज्ञाकारिता बोलते हैं, यानी ओबीडियंस। आज्ञाकारिता का मतलब है कि आपको जो आज्ञा दी गई है, क्योंकि आज्ञा हमेशा बड़ों से दी जाती है, छोटे आज्ञा नहीं देते, छोटे तो रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, याचना करते हैं, और जो बड़े लोग हैं, बड़े का मतलब है जो जानकारी में बड़े हैं, या जो उम्र में बड़े हैं, या जो समझ में बड़े हैं, या जो आपके घर के हिसाब से, जो आपका घर में जो आपका रिश्ते का नाता है उसके हिसाब से बड़े हैं, या अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में काम करने वाले जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है वो बड़े हैं। तो बड़े जो कहते हैं, या काम करने में जहाँ जिन्होंने ज़्यादा काम किया हुआ है वो बड़े हैं, तो बड़े का मतलब है कि आपको उनकी आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस है। आज्ञा करने का पालन का मतलब ये नहीं है कि आपने आंख बंद करके बेवकूफों की तरह आज्ञा का पालन करना है, सही काम की आज्ञा का पालन करना है। भगवान बुद्ध के सभी संदेशों में एक सम्यक शब्द अंडरस्टूड है और छुपा हुआ होता है। कोई आपसे ये कहे बड़ा कि चाकू लो, सामने वाले के पेट में घुसेड़ दो, तो ये आज्ञा का पालन नहीं करना है। कभी आप कहो कि महामंगल सूत्र में तो लिखा था कि आज्ञा का पालन करना है, और हमें तो आज्ञा मिली तो हमने तो चाकू घुसेड़ दिया या गोली मार दी, या बड़े किसी ने कहा कि शराब पी लो तो हमने शराब पी ली, या जुआ खेल लो या चोरी कर लो। भगवान बुद्ध ने सम्यक जितने भी कम्मंत हैं, यानी काम करने वाले जितने भी सम्यक काम है, सही काम है, उन्हीं के लिए हैं। सारी बातों में भगवान बुद्ध ने सम्यक शब्द जोड़ा हुआ है। उनका जो एट फोल्ड पाथ है, यानी कि जो आठ अंगों का पाथ है जिसको अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, सील समाधि प्रज्ञा, उसमें सारी चीजों में सम्यक लगा हुआ है। तो सम्यक को कहीं नहीं जाता, सम्यक को सम्मा भी बोलते हैं। सम्मा माने राइट, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ जो आपने आज्ञा पालन करना है वो सही करना है, अगर गलत है तो मना कर देना है, बल्कि उसका विरोध भी करना है। उसके बाद आता है समणान नंग चे दसनंग। समणान च दसनंग का मतलब है जो समण है, समण का मतलब है समणी भी हो सकती है, समणा भी हो सकता है, यानी कि जो साधु हैं जिन्होंने पंचशील की मेहनत की है, या जो इस रास्ते पे चलते हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो जितने भी समण लोग हैं, समण लोग बहुत हो सकते हैं, जो
पांचशील का पालन करते हैं या जो शुद्ध हैं या जो अच्छे हैं या जो भिक्षु बन चुके हैं या जो पहले भिक्षु भिक्षुणी बने हैं, उन सभी का दर्शन करना है। दर्शन का मतलब है कि उनकी शक्ल नहीं देखनी है, पूजा नहीं करनी है। दर्शन का मतलब यह है कि उनको देखना है, उनके आचार व्यवहार को देखना है, वो कैसे काम करते हैं उसको देखना है, वो कैसे चलते हैं उसको देखना है, उनकी दिनचर्या क्या है वो देखना है, जीवन का वो कैसे पालन करते हैं वो देखना है, उनका जीवन इतना सुखी क्यों है, शांत है, ये देखना है। इसको जांचना पड़ता है, इसको दर्शन बोला है। दर्शन का मतलब ये नहीं है कि आपके सामने कोई आ गया, कोई भिक्खु आ गया, भिक्खुणी आ गया और आप उसका फोटो खींच रहे हो, देख रहे हैं। हमें तो महामंगल सूत्र में 29 नंबर पे ऐसा कहा था कि जो समणा है, जो साधु साध्वी है, उनको देखना है और आप लगे उनको टकटकी बांध के देखने, ऐसा नहीं देखना है। उनके चरित्र को देखना है, उनके करैक्टर को देखना है, उनके जीवन शैली को देखना है, उनके चलने को, उनको फिरने को देखना है, क्योंकि वो परफेक्ट लोग होते हैं, अपने आप को बिल्कुल ठीक कर चुके होते हैं। और महामंगल सूत्र का जो 30वां है वो है कालेन धम्म साकच्छा। कालेन धम्म साकच्छा का मतलब है कि कालेन माने समय अनुसार, समय समय पर और समय के द्वारा, और धम्म धमिक्षा का मतलब है धम्म साकच्छा का मतलब है साकच्छ जो बोलते हैं उसको बोलते हैं चर्चा को, परिचर्चा को। तो धम्म साकच्छा का मतलब है धम्म की चर्चा करना समय समय के अनुसार, समय समय पर, कालेन धम्म साकच्छा, यानी कि धम्म की चर्चा परामर्श करते रहना है, आपस में जिक्र करते रहना है। इससे धम्म अपनी शुद्ध अवस्था में रहता है, ठीक ऐसे जैसे पानी को अगर हिलाते रहेंगे आप तो पानी शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा, पीने लायक रहेगा, और पानी को अगर आप हिलाएंगे नहीं तो कितना भी साफ पानी है उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, खराब हो जाएगा। इसलिए हिलता पानी, चलता पानी साफ रहता है। समुद्र इसलिए साफ रहते हैं सारे, बेशक इतने बड़े और गहरे हैं कि वो हिलते रहते हैं, उनमें लहरें आती रहती हैं और वो अपने आप को साफ करते रहते हैं। ऐसे धम्म की चर्चा और परिचर्चा अगर होती रहेगी तो धम्म में गंदगी नहीं आएगी, धम्म साफ होता रहेगा। धन्यवाद। आपने मंगल सूत्र का नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी इमोशनल पिक्चर आती हैं मंगल सूत्र के ऊपर। स्त्री अपनी जान देने को तैयार होती है, मगर जब विलेन यानी जो खलनायक होता है अगर वो मंगलसूत्र पे हाथ डाले तो हीरो को गुस्सा आ जाता है, जो महिला है वो आग बबूला हो जाती है, उसमें शक्ति आ जाती है। मेरा मंगलसूत्र छीना तो समझो मेरे पति के प्राण छीन लिए, ऐसी महिमा मंडित करके मंगलसूत्र की डालते हैं ताकि मंगलसूत्र बिके और व्यापार चले। क्योंकि मंगलसूत्र में जो मनके होते हैं यानी कि जो मणि होती हैं, काले काले मोती होते हैं, वो भी तुलते हैं सोने के साथ में, उनका पैसा लगता है, तो उसमें अच्छी कमाई ज़्यादा होती है। मंगलसूत्र बेसिकली एक गले में पहनने का ऐसा एक आभूषण है, एक ऐसा विभूषण है जिसमें काले मनके लगे होते हैं, और ट्रेडिशनली तो पीला धागा होना चाहिए, अभी सोने में भी वो आता है। मैंने बहुत छाना मगर मंगलसूत्र के बारे में आपको इससे ज़्यादा जानकारी कोई देगा नहीं। बेसिकली मंगलसूत्र जो है वो पुरुषों के और महिलाओं के, यानी कि जो नर हैं और नारी हैं, दोनों के ही पहनने की चीज़ है। बच्चे भी पहन सकते हैं, बूढ़े भी पहन सकते हैं, सभी पहन सकते हैं, क्योंकि मंगलसूत्र बहुत कमाल की चीज़ है, उसको पहनना चाहिए। और अगर आप उसे पहनते भी नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मगर उसे मानना जरूर चाहिए, उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अगर मंगलसूत्र को आप मानते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो सच में आपकी जान को खतरा रहता है, चाहे आप नर हैं या नारी हैं या बच्चे हैं या पुरुष हैं या कोई भी आप हैं। मंगल सूत्र का मतलब है जो कल्याण करे, यानी मंगल, और सूत्र यहाँ बोला जाता है पाली में, इसको सूत्र बोलते हैं, यानी कि ऐसे वचन, ऐसी बात जो आपका कल्याण करे। और अगर महा लगा दें पहले तो महामंगल सूत्र हो जाता है, यानी कि बड़े कल्याण करने वाले, अच्छा करने वाले सूत्र। इन सूत्रों को, ये सूत्र लोगों का कल्याण करते थे, बुद्ध की वाणी है। 38 उन्होंने बताए, 38 महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए समान है, सभी के लिए बराबर है, खाली महिलाओं के लिए नहीं है। मगर पुरुष ने इन नियमों पर चलना बंद कर दिया, इसलिए पुरुषों ने इसकी महिमा खत्म कर दी और महिलाओं को जबरदस्ती दिया गया कि तुम्हें ये मंगलसूत्र मानने पड़ेंगे, तुम्हें याद रहे, इसलिए तुम्हारे गले में ये 19 मनकों की माला, यानी कि 19 मोती इधर हैं, मणि इधर हैं, और 19 मणि इधर हैं काले रंग की, काले मतलब काले लोग होते थे इसलिए काले हैं, और पीले धागे का मतलब है क्योंकि बुद्ध का जो रंग मानते हैं वो भगवा कलर को पीला रंग भी बोल देते हैं, भगवा कलर का धागा, यानी बुद्ध के वचन है, बुद्ध ने बताया है। तो मंगल सूत्र का मतलब है कि 38 वो बातें जो काले लोगों की हैं और जो भगवान ने बताई हैं, इसलिए पीले धागे में हैं, आपको याद रहे, इसलिए उनको 38
मन को आप गले में डाल लीजिए और बीच में एक धम्म चक्र डाल लीजिए, जो बाद में आया तो आपको याद रहेगा कि ये धम्म की बातें हैं, कल्याण की बातें हैं। ये उसका प्रतीक बना। जब लोगों ने उन बातों पर चलना छोड़ दिया तो खाली ट्रेडिशन रह गया, परंपरा रह गई। लोग ये तो भूल गए कि वो मंगल क्या थे, मंगल सूत्र क्या थे, मंगल वचन क्या थे, वो कौन सी कल्याणकारी बातें थी, वो कौन सी गुड टॉक्स थी, गुड थिंग्स थी जो हमें 38 थी, 38 थी अप्लाई करनी थी। वो गले में 38 मन के बांध के बस काम खत्म हो गया और बाद में व्यापार में बदल गया। जितना जिसको बड़ा मंगलसूत्र जो ले सकता है, सुनार जो थे, जो स्वर्णकार थे, उनके मजे आ गए, वो वहाँ अपना धंधा करने लगे और उसके हिसाब से उनके मंगलसूत्र बिकने लगे। फिर ट्रेडिशन बन गया और फिर मंगलसूत्र को पति की जीवन से जोड़ दिया। बेसिकली तो पति अगर उन पे चलेगा तो उसका जीवन बचेगा, पति अगर नहीं चलेगा तो पति का जीवन खतरे में रहेगा। ऐसे ही अगर स्त्री उन 38 सूत्रों को मानेगी, 38 बातों को मानेगी तो उसका जीवन कल्याणकारी रहेगा, वरना तो डामाडोल रहेगा, खत्म सा रहेगा, चाहे वो सांस ले लेते रहे या जीवित रहे। तो वो जो मंगल सूत्र है या महामंगल सूत्र है, वो सारे मंगल सूत्र भगवान बुद्ध ने बताए हैं। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। नमोते से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमोते से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमोते से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। Sangam Sarinam.